अब तक आपने देखा, भास्कर रामा को मिलने विजयनगर में दही हांडी तक रुकने का निर्णय करता है। तरकारी लेने निकला भास्कर एक वृद्ध आदमी के साथ अन्याय होता देख खुद को रोक नहीं पाता और कैकला को अपना परिचित बता व्यापारी को सबक सिखाता है। रामा की स्मृति दिलाने वाली घटना के विषय में सुन शारदा सतर्कता से भास्कर का पीछा करती है। भास्कर को स्वयं के घर जाता देख चौंक जाती है, साथ ही साथ अपना घर देख शारदा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अब आगे कौन हो सकती है ये स्त्री, वो भी मेरी रसोई में, और वो पुरुष कौन है? तरकारी बना रहे हो तो सच्चे हृदय से बनाओ ना। तुम कहो तो अपना हृदय निकाल कर इसमें डाल दूं, मांसाहारी कहीं की। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं किसी की दृष्टि पड़ गई तो। कहीं रामा ने दूसरा विवाह तो नहीं रचा लिया? क्या यही देखने के लिए इतने वर्षों तक जीवित रही मैं? उठा लो भगवान, उठा लो, उठा लो भगवान, उठा लो। मैं भी कैसे पागलों की भांति प्रलाप करने लगी। रामा यहाँ होते तो मुझे खोज ही लेते। यदि महामात्य के कुक्चरों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। रुक भास्कर। ये पकड़ो पकड़ो। मैं बता दूँ, रुक। रामा आ जाओ, भोजन तैयार है। आया शारदा। अरे उधर कहाँ जा रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। वाह वाह वाह, क्या भिंडी लेकर आया हूँ मैं, अद्भुत अद्भुत। किंतु तरकारी तो मैंने बनाई है ना। किंतु मैं लाता ही नहीं, तो तुम बनाती कैसे? भोजन भी करोगे या व्यर्थ के वाद विवाद ही करते रहोगे? ये लो, इसे श्री गणेश करो। खीर। भात में दूध और चीनी का मिश्रण करके मीठा भात बनाया। खीर बनाने का समय नहीं था। वाह कांता, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, अम्मा और शारदा के सभी गुण है तुम में। यदि अभी अम्मा और शारदा यहाँ होती ना तो वो भी मेरे लिए ऐसी खीर बनाकर मेरा स्वागत करती। Thank you.
भूतपूर्व राजगुरु। बांसुरी बजा रहे? लल्ले, वैसे भी आप ये बांसुरी भी बजाएंगे ना तो उसमें से भी कौए की काऊ काऊ की ध्वनि निकलेगी। सही कहा धनीचार्य जी। और सुनो भूताचार्य, अभी कुछ ही देर बाद महाराज और महारानी आने वाले हैं। मंदिर में आके पूजा अर्चना करने के पश्चात इस मटके पर मोहर लगाने वाले हैं ताकि कल दही हांडी पर इस मटके को फोड़ा जा सके। और तब तक यदि ये मटका स्वर्ण मुद्राओं से नहीं भरा ना तो कल कोई और मटका फूटेगा, वो भी महामात्य के हाथों। उनकी भाषा में कहें तो समझे या नहीं समझे? समझ गए। अरे समझ गए तो प्रतीक्षा किस बात की, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए तथाचार्य। भूताचार्य चलिए चल। धनीचार्य जी शुरू कीजिए। सुनिए 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 सभी देवियों सज्जनों, ध्यान से सुनिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर साक्षात श्री कृष्ण हमारे बीच अपने दिव्य दर्शन से हम सबको कृतार्थ करने पधारे हैं। आइए इनके दर्शन करके वैकुंठ में अपने स्थान को सुनिश्चित करें। हाँ देर मत कीजिए, अपनी अपनी श्रद्धानुसार इस पावन मटके में स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कीजिए और पुण्य पुण्य अर्जित कीजिए। चलिए प्रभु, गीता का उपदेश देकर हमारे ज्ञान चक्षु खोलिए। चौधरी ज्ञान चक्षु कीजिए गीता का उपदेश देकर। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, अब जो दोगे यहीं पर दोगे। तो भगवान कृष्ण के नाम पर इस मटकी में डालो। ना पीतल ना ही चांदी, मात्र केवल स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कीजिए, पुण्य कमाइए, लाभ उठाइए। स्वर्ण मुद्राएं इस मटके में डाली। गुरुवर उदी ही गोपी, वहां चलते हैं, बांसुरी बजाते हैं, नृत्य करते हैं। हमें पूर्णतः विश्वास से उनसे हमें बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। प्रशंसा करनी होगी मनीचार्य कि चिता पर चढ़ने को तैयार बैठा है बुड्ढा, किंतु चित्त में इच्छाओं की अग्नि अभी तक जल रही है। ये लीजिए भूताचार्य जी। हाँ श्री कृष्ण जी। जी जाइए रचाइए रास। रुकिए, कौन है आप? कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? उठा लो, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। उठा लो, कहीं ये शालदा तो नहीं? थाई है, अले आप यहाँ आए हो, आप अपना पलिता दीदी। ये गुंडप्पा की भांति इतना तुतला क्यों रहा है? कहीं ये गुंडप्पा ही तो नहीं? मुझे इसकी जांच करनी होगी। उठा लो। ये शालदा के भांति क्यों बोल रही है? कहीं ये शालदा ही तो नहीं? इसकी परीक्षा लेकर देखता। रुको,
भोजन को मध्य में त्याग कर उठने से उसका अपमान होता है। बैठो। बाहर किसी आवश्यक कार्य से कोई परिचित आया? यहाँ तुम्हारा एक ही परिचित है, वो है महामात्य। अगर तुम्हारी उनसे मिलने की इच्छा है तो बता दो, ये अच्छी सूचना मैं उन तक पहुँचा देती हूँ। बुरा मान गए, मैं तो प्रयास कर रही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। वैसे भी इस खंडर में कौन आएगा? ये कितना है? यदि ये गुंडप्पा है तो इसे गिनती नहीं आती होगी। एक और एक होता है 11। ये तो सही उत्तर दे रही है। शालदा की बुद्धि कभी इतनी तीव्र तो थी ही नहीं, ये शालदा नहीं हो सकती। गलत उत्तर। गुंडप्पा इतना सटीक उत्तर परखने में सक्षम नहीं था, जबकि इसने परख लिया। ये तुतला अवश्य रहा है पर गुंडप्पा नहीं है। आप परीक्षा की कसौटी पर खाली नहीं उतरी, आप प्लस स्थान कीजिए, जाइए। ये किसका निवास स्थान है? आपका तो नहीं है, अतः शीघ्र प्लस स्थान के लिए जाइए। चलिए जाइए जाइए। कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई मुझे अपनी ही आवाज से ऐसे निष्कासित करेगा। उठा लो भगवान उठा लो। कौन है, कौन आया है? कहीं उसने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, क्या पता वो मित्र हो या शत्रु। रुको रुको, भोजन की थाली ऐसे छोड़ के नहीं जाते। चाचू कौन था, कौन आया था अभी? हाँ था नहीं थी, विचित्र से इसलिए थी, अपना मुख ढक रखा था। कौन हो सकती है वो? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मैं उससे पूर्व परिचित हूँ। किस दिशा में गई? उधर। ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मैं उस स्वर को पहचानता हूं? उस स्वर से आत्मीयता की अनुभूति हो रही है। अब ये कौन पीछे पड़ गया? कहीं दुष्ट कैकाला का गुप्तचर हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। रुकिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये बस करो बस करो। निकलिए निकलिए, हाँ चलिए चलिए चलिए। बस बस कीजिए रसिकाचार्य जी, भाई पूरी की पूरी किस कन्हैया बन गए, गोपियारी जाने लगे। हमने आपको स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करने के लिए कहा था, हैं? वही तो कर रहे हैं मुनिचार्य। क्षमा क्षमा, वही तो कर रहे हैं गुरु। ठीक है अब शीघ्रता से चलिए यहाँ से, महाराज और महारानी मंदिर पहुँचने ही वाले होंगे, शीघ्रता कीजिए। उजल हो गई दृष्टि से, कुछ क्षण पूर्व तो सामने ही थी। महाराज बाला कुमार की जय, महारानी सुलक्षणा देवी की जय, महाराज बाला कुमार की जय, महारानी सुलक्षणा देवी की जय। We'll be right back.
हमें किसी भी औरत की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं, महामाते का कहना है। आइए महारानी। महाराज, महारानी की जय हो। ये मटका दही हांडी के लिए हमने तैयार रखा है। हमने अरे वाह, आपने नहीं, हमने इस मटके को स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों ने ही ये कार्य हमसे करवाया और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मटके को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए महारानी अपने करकमलों से इस पर राजमोहर लगाएंगी।